राजस्थान विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया के बजट के दौरान बीच में टीका टिप्पणी को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस कारण सभापति राजेंद्र पारीक को सदन की कार्यवाही को आधा घंटे स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह कारचरेवास ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी विधायक अशोक लाहोटी का कहना है कि सरकार ने पहले की बजट की घोषणा को ही अभी तक पूरा नहीं किया है। जो बजट पेश किया उसने एक रुपए का भी टैक्स नहीं लगाया, हर वर्ग को बड़ी राहत दी, ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, झोपड़ी, खेत खलियान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, एक्सीडेंट हो जाए तो जो घायल को लेकर जाएगा उसको 5100 रुपए की सहायता, कोई सेक्टर आप मुझे बता दो जो बचाओ। राजस्थान की जनता को अब इस मुख्यमंत्री जी से और इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। ये इनका 13वां बजट है और मैं बता सकता हूँ कि 1999 के पहले बजट की पहली घोषणा भी आज तक बाकी है। उस पहली घोषणा में था कि राजस्थान को फ्लोराइड मुक्त करेंगे, वो घोषणा आज 13वें बजट में भी बाकी है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि राजस्थान की जनता के लिए ये सरकार और मुख्यमंत्री जी कुछ करेंगे। ये केवल थोथा बजट है।